अब हमें आप अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हैं। करना ये है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और वहाँ पे सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पे आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आपको नाम सर्च करना है अंकित अवस्थी। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको जाके हमें फॉलो करना है और वहाँ पे हमारे आप वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें या फिर आप बात करें सेट थ्योरी की। और वहाँ पे हम लोग एयरफोर्स NDA और AA के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। हेलो मित्रों, मेरा नाम अंकुर है और हम लोग रीजनिंग के टॉपिक पर लगातार कॉन्टिन्यू क्लासों को आपको अपलोड करा रहे हैं और आप उनको देख भी रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड लेसन के बारे में बात की और हमने आपको ब्लड लेसन के बारे में केवल उतना ही समझाया था जो आपकी सिलेबस से संबंधित है। बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि इस रिलेशन के बारे में हमको नहीं पता, इस रिलेशन के बारे में हमको नहीं पता। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप केवल उतना पढ़िए जितना आपके सिलेबस में आना है। अगर आपको डिटेल में भी पढ़ना है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि आप हमें डिटेल पढ़ाइए, तो फिर हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि ब्लड लेसन होता कहाँ से और क्या और कौन से रिलेशंस का कहाँ कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ कहाँ से इनका प्रारंभ हुआ है, तो पूरी डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन हम आपको केवल उतना ही शॉर्ट में पढ़ाना चाहते हैं जो आपके सिलेबस में है और जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि साले की पत्नी को क्या कहेंगे, कहते हैं सरहज। जो साले की पत्नी होती है, साला बड़ा भी हो सकता है, साला छोटा भी हो सकता है, तो साले की पत्नी को सरहज कहते हैं और जो साली के पति होते हैं उनको साधु कहा जाता है। तो ये चीज आपको हमने इसलिए बता दी है क्योंकि आपके कमेंट्स बॉक्स में आपने कमेंट्स किया था, कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि सर इसका क्या मतलब होगा, तो इसलिए हमने आपको बता दिया है। बाकी जितना हमने उस दिन चार्ट बनाया था केवल उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है केवल हमने उसी की बात की है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, मैंने पहले ही बताया है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स पर जाइए और लिखिए कि हमें सर डिटेल में पढ़ाइए, तो फिर हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ही समय का लॉस होगा और हम चाहते हैं कि आपका समय के अंतर तक आप एग्जाम को दें और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। हमें आपको PhD नहीं करानी है रीजनिंग में, कि आप रीजनिंग में PhD करें और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, ना कि हमें आपको कोई टीचर बनाना है। हमें आपको एयरफोर्स के वाई ग्रुप में सिलेक्शन दिलाना है, तो उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे जितना कि आपके सिलेबस में संबंधित है। अब ये चीज क्या क्या सिलेबस में संबंधित है आपसे बेहतर हम जान सकते हैं, आपको इतना नॉलेज अभी नहीं होगा, तो इसलिए आप धैर्यपूर्वक केवल उन चीजों को सीखने की कोशिश करिए जो आपको सिखाई जा रही है। उन चीजों को सीखने की कोशिश मत करिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। तो समय बर्बाद किए बिना चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं इस ब्लड लेसन में कौन कौन से टाइप हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुख्यतः चार टाइप जो है वो यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन चार टाइप में से केवल तीन टाइप ही आपके एग्जाम में से पूछे जाएंगे। जो फोर्थ टाइप है वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि चौथा टाइप जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आपको इस चौथे टाइप को पढ़ना है ना, तो आप कमेंट्स करिए और कमेंट्स अगर हमको मिलते हैं अधिकतम रूप में तो हम आपको इस चौथे टाइप के बारे में भी पढ़ाएंगे। लेकिन अगर सिलेबस की बात की जाए तो चौथा टाइप आपके लिए यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, केवल आपको इन तीन टाइप के बारे में पढ़ना है। और ये तीन टाइप्स के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं और चौथे टाइप के बारे में हमको बता देंगे, परंतु पढ़ाएंगे तब जब आप हमें कहेंगे कि सर हमें उस चीज के बारे में बताइए। तो तीन टाइपों में से जो फर्स्ट टाइप है, पहला टाइप जो होता है, ये पहला टाइप आपके अल्फाबेट के क्वेश्चंस पर आधारित होता है, ABC और D पर आधारित होता है, अल्फाबेटली क्वेश्चंस होते हैं। इन अल्फाबेटली क्वेश्चंस पर हमें ध्यान क्या रखना होगा, इस अल्फाबेटली क्वेश्चंस पर हमें ध्यान ये रखना होता है कि हमें यहां पर ABC और D तो ये लिखे हुए हैं। तो इनमें होता क्या है, यहां पर हमारे सामने सबसे पहली जो एक चीज होती है वो जेंडर से रिलेटेड होती है। जेंडर का मतलब हो गया, इसमें हमें यह नहीं पता चल पाता है कि कौन सा कैंडिडेट पुरुष है और कौन सा कैंडिडेट जो है वो महिला है। यहां सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये हो सकती है। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक मेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो उसे हम एक सिंबल डिनोट करेंगे जिसको हम प्लस सिंबल कह सकते हैं, और जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको हम यहां पर माइनस सिंबल से डिनोट करेंगे। तो यहां पर जैसा कि हमने कहा कि जब अल्फाबेटली क्वेश्चन जो कि हमारा टाइप फर्स्ट है,
इसमें हमें जेंडर की प्रॉब्लम हमारे क्वेश्चंस पर आती है। अब कैसे प्रॉब्लम आती है प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन रखा जाए कि ए बी का भाई, ए बी का भाई, समझने की कोशिश करिएगा हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। ए बी का भाई, तो यहां पर हमें ए को बी का भाई बनाना है। तो अगर हमें ए को बी का भाई बनाना है तो ए बी का भाई है, जैसा कि बोला गया यहां पर ए मेल कैंडिडेट है, तो यहां पर भाई के लिए प्लस सिंबल लेते हैं और ए जो है वो बी का भाई। अब यहां पर ए के बारे में तो कंफर्म हो गया, परंतु बी के बारे में भी बात की जाए कि बताइए बी कौन है, तो बी का तो जेंडर कंफर्म ही नहीं हो सकता है। क्यों, कारण क्या है भाई, यदि ए बी का भाई है तो बी ए का भी भाई है या नहीं है, या बी ए की बहन है या नहीं, ये चीज कंफर्म नहीं की जा सकती है। तो ये चीज जो है यहां पर अल्फाबेट ने क्वेश्चंस पर आपके सामने आएगी। लेकिन एक ऐसा भी संबंध होता है जिसमें जेंडर की प्रॉब्लम नहीं आती, हम उस चीज को भी आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये होता कि ए बी की पत्नी है, अगर क्वेश्चन ये होता कि ए बी की पत्नी है, तो फिर देखिए कैसे होता भाई, ए बी की यदि पत्नी है तो ए माइनस हो गई और वो बी की पत्नी हो गई। तो यहां से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि यदि ए बी की पत्नी है तो बी जो होगा उसका पति हो जाएगा और वो एक प्लस कैंडिडेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक मेल कैंडिडेट कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पति और पत्नी का एक ऐसा संबंध है जिसमें से किसी एक के बारे में पता चलने पर दूसरे के बारे में हमें अपने आप कंफर्म हो जाता है उसका जेंडर क्या है, परंतु इसके अलावा ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जिसके बारे में कंफर्म नहीं हो पाएगा, आप कंफर्म ही नहीं कर पाओगे कि उनका जेंडर क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको यही चीज समझाना चाहते हैं कि अल्फाबेटली क्वेश्चंस पर हमारे सामने ये प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें करना क्या होगा, यहां पर अगर हम एक क्वेश्चन को लेकर आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करें तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि हम उस चीज को कैसे समझना चाहेंगे। क्वेश्चन जो है इस समय आपके स्क्रीन के नीचे फिलअप कर रहा होगा, आ चुका होगा। क्वेश्चन ये है कि x और y दो आपस में भाई हैं और r जो है वो y का पिता है। क्वेश्चन फिर से आप पढ़ सकते हैं, देखिए बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x y का भाई है, या x और y दो आपस में भाई हैं, r y का पिता है, s जो है s फॉर सन, s जो है वो t का भाई है और x का मामा है। तो बताइए कि r का t से क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन जो है क्लियर है, किस कई प्रकार से क्वेश्चंस किया जा सकता है। जैसे कि अगर क्वेश्चंस के रूप की बात करें तो क्वेश्चन हो सकता है t का r से क्या संबंध है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है t r से किस प्रकार संबंधित है। आप जो हम लिख रहे हैं चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टी और आर के मध्य में क्या संबंध है, क्या संबंध है। अगला हो सकता है टी आर का क्या है। देखिए यहां पर हमने क्वेश्चंस के चार रूप आपके सामने रखे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और ये चार नंबर। अब देखिए होता क्या है, आप चाहे कितना भी ब्रेड लेसन पढ़ लीजिए, चाहे कितने भी आपको ब्रेड लेसन अच्छे तरीके से आता हो, परंतु आपको इन शब्दों का यदि मतलब नहीं पता है तो आप क्वेश्चन है 100% गलत कर देंगे। होता क्या है, पूरा सब कुछ हम लोग सही कर देते हैं, सब कुछ हमें पता होता है, लेकिन जब आंसर लिखने का नंबर आता है तो पूछा जाता है टी के बारे में, हम बताते हैं आर के बारे में, क्योंकि ऑप्शंस जो वहां पर बनाए जाते हैं इस चालाकी के साथ बनाए जाते हैं कि वहां पर दोनों तरफ के संबंधों को व्यक्त किया जाता है, टी की तरफ से भी ऑप्शन होगा, आर की तरफ से भी ऑप्शन होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर संबंध दो तरीके से आपके सामने दिख रखे जाएंगे। तो बच्चों होता क्या है कि हमें इन सब शब्दों का मतलब अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो चलिए जो क्वेश्चन हम लोगों ने बोला तो उसको करने की कोशिश करते हैं। बोला गया एक्स और वाई आपस में भाई, तो आपस में भाई मतलब कि मेल कैंडिडेट, तो दोनों को हम यहां पर प्लस और प्लस सिंबल देते हैं और दोनों को आपस में हम ऐसे भाई बना देते। देखिए रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसका चित्र, अगर आप चित्र अच्छा बनाएंगे, सही बनाएंगे, तो आंसर भी आपका सही निकलेगा।
हम लोग नॉन वर्बल को भी बारे में पढ़ेंगे, नॉन वर्बल के सारे चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, उसका पीडीएफ भी आपको अपलोड किया जाएगा, कौन सा चित्र कैसे बनाया जाएगा, कैसे उसका क्या होगा, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए है क्या मेन चीज कि आपको चित्र बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी महत्वपूर्ण चीज है चित्र। बोला गया एक्स और वाई आपस में भाई है, तो दोनों को हमने आपस में भाई किया। फिर बोलता है आर वाई का पिता है, तो पिता मीन्स वो भी मेल कैंडिडेट, तो आर को भी प्लस किया और वो वाई का पिता हो गया। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगी एक्स और वाई भाई हैं और आर वाई का पिता है। फिर बोला गया एस टी का भाई है, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है एस टी का भाई है, तो हमने एस को टी का इस तरीके से भाई बना दिया, तो ये भी प्लस हो गया, टी का भाई हो गया। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो किसका मामा है, एक्स का। चलिए एक्स का हमने इसको मामा बना दिया। अब क्वेश्चन देखिए हमारे सामने इतने सारे, टी का आर से क्या संबंध है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जिस भी अल्फाबेट के बाद का लिखा होगा, जिस भी अल्फाबेट के बाद का लिखा होगा आपको उसके बारे में बताना होगा। ध्यान रखिएगा, जिसके बाद का लिखा होगा उसके बारे में बताना है, जिसके बाद से लिखा है उसके बारे में आपको नहीं बताना है। इस चीज पर ध्यान रखिएगा कि आपको टी के बारे में बताना है कि टी आर से किस प्रकार संबंधित है। दूसरी चीज है टी कॉमा आर से किस प्रकार संबंधित, ये बोला गया। देखिए क्वेश्चन का एक रूप ये भी हो सकता है, क्वेश्चन का एक रूप ये भी पूछने का हो सकता है। तो ध्यान रखिए जब भी कॉमा लगाकर क्वेश्चन किया जाए तो कॉमा लगाकर क्वेश्चन दो तरीके से कर सकता है, एक तो इस रूप में कर सकता है और एक इस रूप में कर सकता है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िए, टी आर से किस प्रकार संबंधित है, टी आर का क्या है। तो जिस अल्फाबेट के बाद कॉमा लगा हो, जिस अल्फाबेट के बाद कॉमा लगा होगा आपको सदैव उस अल्फाबेट के बारे में बताना है, जिसके बाद कॉमा नहीं है या से है या का है। फिर यहां पर से और के से कोई मतलब नहीं, जैसे यहां पर तो का मतलब था, परंतु आप यहां पर का मतलब ना समझिएगा, यहां पर का मतलब उस चीज से नहीं है, आप कॉमे पर ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज यहां पर टी के बारे में बताना है, आर के बारे में नहीं बताना। और ये टी और आर के मध्य में क्या संबंध है, मध्य में संबंध का मतलब हो गया दोनों तरफ के संबंधों के बारे में बताना, टी भी कौन है और आर भी कौन है। चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर निकालने की और आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए अच्छी तरीके से। तो बोला गया टी का आर से क्या संबंध है, हमें टी के बारे में बताना, लेकिन दुर्भाग्यवश हम अभी तक टी के जेंडर को समझ ही नहीं पाए। ये तो बोल दिया है कि एस टी का भाई है, परंतु टी एस का क्या है ये चीज यहां पर क्लियर नहीं हो पाई है। तो चलिए क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जब जेंडर कंफर्म नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में हमें प्लस सिंबल और माइनस सिंबल दोनों पर जेंडर निकालने होते हैं और दोनों पर कंफर्म करना पड़ता है कि आंसर क्या बन सकता है। चलिए पहले हम इसको प्लस देखते हैं कि क्या निकल सकता है। तो अगर देखिए अगर टी को हमने प्लस दिया तो आर वाई का पिता था, तो आर के लिए वाई उसका क्या हो जाएगा बच्चों, पुत्र हो जाएगा। और पुत्र का भाई को हम लोग पुत्र ही कहते हैं, सिंपल बात है, भाई दो पुत्र हैं, दोनों आपस में भाई हैं, तो आर के लिए ये भी पुत्र हो जाएगा और आर के लिए भी पुत्र हो जाएगा। तो आर के लिए एक्स क्या हो जाएगा, उसका पुत्र हो जाएगा। और पुत्र का ये मामा है, पुत्र का ये मामा है, और पुत्र के मामा को बच्चों कहते हैं साला। क्या कहते हैं, साला। पुत्र का मामा क्या बनता है, साला बनता है। तो आर के लिए एस बन गया साला। क्लियर, अब साला तो बन गया, अब साले के भाई की बात कर लेते हैं। तो बच्चों साले के भाई को भी बच्चों साला ही कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर साला बन सकता है। बन सकता कहने का मतलब ये है कि हमने तो यहां पर प्लस देकर अभी चेक किया है ना, हो सकता है शायद यदि माइनस रख के देखे तो क्या बन सकता है। तो चलो माइनस भी रख लेते हैं, माइनस रखा तो फिर क्या बनेगा, आर के लिए एस साला और फिर ये साले की बहन, और साले की बहन जो होती है उसको हम लोग साली कहते हैं। आप लोगों को पता होगा अच्छी तरीके से, साले की बहन को क्या कहते हैं, साली कहते हैं। लेकिन तब ये साली होगी जब ये इकलौती नहीं होगी, इसके दो अलग अलग यदि बहनें हुई तो फिर टी हो सकती है आर की पत्नी भी बन जाए। बच्चों हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
तो यहां पर जब हम लोगों ने जेंडर को अलग अलग रख के देखा तो उस स्थिति में तीन अलग अलग आंसर बनते हैं, या तो साला बन सकता है, या तो साली बन सकता है, या फिर पत्नी बन सकता है। अब इनमें से 100% कौन सा राइट होगा ये तो कंफर्म करने के लिए हमें ऑप्शंस पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि ऑप्शन में साला वाला ऑप्शन मिलता है तो वो सही माना जाएगा, यदि ऑप्शन में साली वाला ऑप्शन मिलता है तो वो सही माना जाएगा, यदि ऑप्शन में पत्नी वाला आंसर मिलता है तो फिर उसको हम लोग सही मानेंगे। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा गया था तो वहां पर उन्होंने पत्नी वाला ऑप्शन दिया था, तो फिर उस स्थिति में क्वेश्चन का आंसर पत्नी बना था। तो अगर हमारे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए तो इसका भी आंसर पत्नी, इसका भी आंसर पत्नी, इसका भी आंसर पत्नी, और अगर उनके मध्य के संबंध के बारे में पूछा जाता है तो अगर इसके आधार पर देते हैं आंसर तो फिर हो जाएगा पति और पत्नी का संबंध है, इसके आधार पर देते हैं तो जीजा और साले का संबंध है, इसके आधार में देते हैं तो जीजा और साली का संबंध है। आई होप आपको यह पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आपके एग्जाम में केवल इसी प्रकार के ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ज्यादा कठिन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप जो है ज्यादा पढ़ने के चक्कर मत पड़िए कि हमें इससे भी अधिकतम पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कोई चीज डिटेल से पढ़ने से आप जो है केवल टीचर बन सकते हैं, एक क्लर्क या एक एयरमैन नहीं बन सकते हैं। इसलिए जितना पढ़ाया जाए केवल आप उतना पढ़ने की कोशिश करिएगा, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको हमने बोला है स्टार्टिंग में कि आप कमेंट्स करिए और कमेंट से बताइए कि सर मुझको डिटेल में पढ़ना है, तो फिर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और उसके लिए एक अलग से एक रास्ता आपको बताया जाएगा कि फिर आप इस रास्ते पर चलिए और उस रास्ते के माध्यम से आपको फिर डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।